सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का एडिटिंग कैसा होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना फ़ोटो का जो बैकग्राउंड हो उसको चेंज कैसे करें। जैसे कि मैं आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है और ये रहा मेरा बैकग्राउंड। तो मैं अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड में मैं ये थार वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं लगाना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप ज़रूर सीखें। 2 से 3 मिनट ही लगेगा आपको इस बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसको शेयर करते हैं और लेकर चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि सब एडिटिंग जो एडिटिंग का मास्टर है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को शेयर कर लेते हैं और शेयर करके लेकर चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ से आपको शेयर कर लेना है और शेयर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा पिक्सआर्ट, इस पर क्लिक करना है। और पिक्सआर्ट के ऊपर जाते ही आपको करना कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, जैसे मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के ऊपर आ चुका है। तो आपको अब सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड फ़ोटो का, ये रहा देखो ये वाला। तो इस ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद जो अपना फ़ोटो है ओरिजिनल वाला उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये वाला मेरा फ़ोटो है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड का यहाँ पर, तो इस पर क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एडजस्ट कर लेना है जहाँ भी आप मॉडल को रखना चाहते हैं। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो इस तरह करने के बाद आपको ऐड करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कटआउट का, ये वाला। तो इस कटआउट के ऑप्शन पे जाना है, लेकिन इस पे जाने से पहले अपना फ़ोन का डाटा ऑन है या नहीं देख लेना है और डाटा ऑन कर लेना है। ये मेरा डाटा ऑन हो चुका है। एंड इसके बाद कटआउट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे फिर से आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला। तो आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस तरह से सर्कल कर लेना है अपने मॉडल के चारों तरफ से, इस तरह से। तो मैं कर लेता हूँ। एंड इस तरह के करने के बाद आपको सिंपली जहाँ जहाँ आपको रेड नहीं दिख रहा है रेड कलर, वहाँ पर ब्रश का ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले पे, और ब्रश कर लेना है। जैसे कि मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो इसके ऊपर मैं पूरा चला देता हूँ, रेड कर देता हूँ इस तरह से। एंड इस तरह से करने के बाद आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ से सही का ऑप्शन दिख रहा होगा इसके साइड में, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद देखो गाइस कितना जल्दी मेरा बैकग्राउंड जो है इरेज हो चुका है, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, इस पर जाना है आपको। एंड इस पर जाने के बाद आपको ये जो नीचे हार्डनेस दिख रहा है ये वाला, एंड साइज को मैनेज कर लेना। तो हार्डनेस को मैं फुल कर लेता हूँ एंड साइज को उतना ही रख लेता हूँ। एंड हार्डनेस को फुल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसको बैकग्राउंड को इस तरह से इरेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पूरा कर देता हूँ, एंड करने के बाद मैं आपका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये मेरा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ ऊपर सही का ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक बार और इस पर क्लिक कर लेना है, इस पर। एंड इसको सेव करने के बाद आपको दोस्तों फिर से जाना है नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर, इस पर। एंड टूल्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एडजस्ट के ऑप्शन पर जाना है। एंड एडजस्ट के ऊपर जाने के बाद आपका जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं। एंड सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा प्लस कर लेंगे। एंड थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको थोड़ा सा, इसको इतना ही रहने दें। एंड चौथे वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है। एंड हाइलाइट्स के ऊपर जाना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा प्लस कर लेना है। एंड शैडो के ऊपर जाना है, इसको थोड़ा प्लस कर लेना है। एंड लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको थोड़ा सा
माइनस रखते हैं इतना। बस इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ ऊपर कोने में यस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर जाना है एंड इसके बाद इस फोटो को जो है सेव करना है। तो जैसे कि ये मेरा फ़ोटो देख सकते हैं, ये मेरा बैकग्राउंड जो था वो है दोस्तों। और बहुत ही आसान तरीका है इस फ़ोटो को एडिट करने का, बहुत ही कम समय में आप सीख सकते हैं बैकग्राउंड को चेंज करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके लिए आपको क्या करना है, इस फ़ोटो को आप सेव करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, या नीचे ऑप्शन सेव का आया है, इसको सेव कर लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।